नगर निकाय चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के चलते शिवपुरी नगर पालिका के लिए अध्यक्ष एवं पार्षदों के कांग्रेस प्रत्याशी की राय शुमारी को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिवपुरी नगर पालिका के अध्यक्ष एवं 39 वार्डों में पार्षद पद पर अपनी दावेदारी पेश करने पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त पर्यवेक्षक महाराज सिंह पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अब तक कांग्रेस की टिकटों का ज्यादातर आवंटन ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया जाता था, परंतु इस बार शिवपुरी के नगर निकाय के चुनाव कांग्रेस महाराज और यशोधर राजे सिंधिया को मजबूती से टक्कर देगी, जिसके लिए हमें मजबूत अध्यक्ष और पार्षदों को चुनाव लड़ाना होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक रखी गई है। देखिए, ऐसा ही होता आया है, आप सही कह रहे हैं। जब तक यहाँ महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, उन्होंने बैठक लिया, कुछ दिया किसी को, वहाँ चापलूस लोगों देते रहे, ऐसा इस्लाम नहीं। इसका मतलब ये आपने जो आवेदन लिए, इन्हीं में से प्रत्याशी बिल्कुल बिल्कुल बाहर से नहीं होगा।